नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप सभी का स्वागत है टॉप न्यूज नेटवर्क्स में। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अभी यूरोप यात्रा पर है। कल रात बर्लिन में राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में नौकरी नहीं है, किसान सुसाइड कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हर किसी का विकास हो। आपको बता दें कि कल राहुल गांधी का जर्मनी के बर्लिन में संबोधन था, लेकिन तकनीकी गड़बड़ियों के कारण राहुल का ये संबोधन प्रसारित नहीं हो पाया था, इसलिए इसे आज जारी किया गया। राहुल ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की विचारधारा में एक यही अंतर है कि आरएसएस में आपको कभी कोई महिला नहीं दिखेगी। वे लोग महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं, लेकिन कांग्रेस में आपको ऐसा कभी नहीं देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वे लोग नफरत फैला रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर जर्मन संसद में विभिन्न मुद्राओं में खड़े राहुल गांधी की फोटो का एक कोलाज पोस्ट किया और लिखा राहुल गांधी के विभिन्न पहलू। ट्विटर यूजर्स ने इस कोलाज को लेकर कांग्रेस को काफी ट्रॉल किया, जिसके बाद बीजेपी ने उसे रीट्वीट भी किया। आज शाम को राहुल गांधी लंदन में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। राहुल यहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में छात्रों से सीधा संवाद करेंगे। आपको बता दें, राहुल गांधी जर्मनी और ब्रिटेन की 5 दिवसीय यात्रा पर है। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज नेटवर्क्स। धन्यवाद।